नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे देश के बहुत ही महान देशभक्त और फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनका नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। कहा जाता है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की थी तो ब्रिटिश सरकार ने 1941 में उन्हें ख़त्म करने का आदेश दे दिया था। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा उन्होंने लगाया। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज से मुक्त भी कर ला दिया। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने बापू से आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में नहीं हुई, वे उसके बाद भी रूस में कहीं दिखाई पड़े हैं। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ एवं उनकी मां का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी उन्हें IAS बनाना चाहते थे, इसी कारण उन्हें पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजा। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार से समझौता किया और सब के कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे कैदियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। इस चीज़ का सुभाष चंद्र बोस को बहुत ही दुख था। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेजी सरकार से बात करें और उनसे समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी अपने ओर से दिया हुआ जो वचन है वो तोड़ नहीं सकते थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह जैसे और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को नहीं बचाने का सुभाष चंद्र बोस को बहुत 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 दुख था। सुभाष चंद्र बोस को खुद 11 बार जेल हुई। 1934 में सुभाष को उनके पिता की बीमारी की खबर मिली, जिसके लिए वो कोलकाता आए, लेकिन कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिनों तक जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। सुभाष चंद्र बोस की वाइफ का नाम एमिली था और जिन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया जिनका नाम अनीता बोस था। कहा जाता है कि अगस्त 1945 में ताइवान में हुई एक फ्लाइट दुर्घटना में सुभाष चंद्र मौत की मृत्यु हो गई, जिस पर विवाद भी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।